हाय गाइस, वेलकम टू गाइन मोडिफिकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाइक में जो विंटोन के हॉर्न है उसको कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, आपके काफ़ी टाइम से इस पर बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि बाइक को बनाओ, तो वो बार बार कोई भी टॉपिक आने की वजह से वो डिले हो रहा था। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। और उसके लिए हमें कुछ वायर्स चाहिए और थंबनेल चाहिए और हॉर्न चाहिए। तो अगर आप मुझे इसका जो अमेजोन का लिंक मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जो इसका प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, बाइक में विंटोन के हॉर्न को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ इस टाइप के विंटोन के हॉर्न चाहिए। ये जब मैं दिल्ली से आया था तब मैंने लिए थे, और आपको अगर ये चाहिए तो मैं अमेजोन का इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। और मैं इसे खुद भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, काफ़ी अच्छा साउंड है इनका और काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले जो हमें नीड है वो है हॉर्न रिले की। तो हमें एक हॉर्न रिले चाहिए, हमें सबसे मेन चीज़ है इस हॉर्न के लिए। अगर हम ये यूज़ नहीं करते, चाहे कोई भी बैटरी लगाई हो आपने, वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी। अगर आप ये यूज़ करते हैं हॉर्न रिले, तो जो आपका बैटरी कंज्यूम है वो बहुत कम होगा। और उसके बाद हमें ये हॉर्न पत्ती चाहिए। हॉर्न को फिक्स करने के लिए दो हॉर्न है तो दो हॉर्न पत्ती चाहिए, दो क्लिप चाहिए ताकि इसके ऊपर हॉर्न फिक्स हो चुके, और चार वायर के टुकड़े चाहिए एक एक फुट के, और एक दो फुट का टुकड़ा चाहिए जो कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट होगा कुछ इस टाइप से, और ये प्लस पॉइंट से है। और उसके बाद ये थिम्बल चाहिए और दो नट चाहिए। चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें करना है कि ये जो नट है इसके हॉर्न के ऊपर, इस नट को खोलना है कुछ इस टाइप से, और इसके बाद ये जो हॉर्न पत्ती है इसको फिक्स करना है, और ये जो नट है इसको अच्छी तरह लगाना है, टाइट करना है एकदम, और एकदम टाइट करना है। उसके बाद हमें करना है कि ये जो क्लिप है इसको, ये जो आप साइड देख रहे हैं इस साइड में यूँ लगाना है, और ये जो हॉर्न है इसको आपको इस टाइप से फिक्स करना है, ये देखिए, और यहाँ पे एक नट लग जाएगा, उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी करना है, तो ये दोनों मैं कर लेता हूँ और उसके बाद इसका आपको कनेक्शन बताता हूँ कैसे करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह फिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैंने क्लिप लगाया, इसके ऊपर हॉर्न पत्ती है तो उसके ऊपर हॉर्न का टाइट किया है, और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ किया है। अब हमें करना है कि ये जो आप रिले देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए मेरे हाथ में जो रिले, इस रिले के अंदर ये जो आप आमने सामने वाली देख रहे हैं पॉइंट, इसके अंदर हमें ये जो हॉर्न की दो वायर आती है, जो ओरिजिनल हॉर्न लगाता है जो उसकी दो वायर आती है, इसको लगाना है। तो कुछ इस टाइप से इसको लगाना है, ये देखिए, और आप थोड़ा कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको एक बार ही में समझ में आ जाए। और अब इसको एक बार साइड में रखते हैं, और आप एक बार मतलब कि हॉर्न को क्लिक करके देख लीजिए, इसके अंदर टिक टिक की आवाज़ आती है, तो मतलब कि ये वायर दोनों सही लग चुके हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ इसके अंदर, आई थिंक आपको साउंड सुन रहा होगा ये वाला, इसका मतलब ये है कि ये जो हॉर्न रिले है अभी ये सही लग चुका है। अब हमें जो हॉर्न है इनकी मतलब कनेक्शन करना है, तो हमें करना है कि सबसे पहले देखिए आप ये दो वायर के टुकड़े लेने हैं, एक सेकेंड, और एक को लगाना है यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ये देखिए, और दूसरे को भी लगाना है कुछ इस टाइप से, और ये दोनों वायर को उस तरफ भेजना था कि ये दूसरे हॉर्न के साथ कनेक्ट हो सके। फ्रेंड्स, ये वो वहाँ से वायर यहाँ तक आ चुकी है, और अब इन दोनों वायर को, एक वायर को इसके अंदर लगाना है और ये सेकंड वाली को इसके अंदर लगाना है। चलिए दोस्तों, इसे भी कर लेते हैं। वहाँ से पहले दो वायर लगाई है, उसके बाद वहाँ से दो वायर है ये जो, उसको इसके अंदर लगाया। हमें अब एक वायर ऐसी लेनी है जिसके यहाँ पे भी थिम्बल लगा हो, एक यहाँ पे भी। तो अभी करना है कि इसको इसके अंदर लगाना है, आप ऊपर या नीचे कोई से भी लगा सकते हैं, और एक सेकेंड, ये हो चुका। और ये वाला है वो हॉर्न रिले के अंदर लगाना है, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं वाला, इस पॉइंट के अंदर इसको लगाना है, ये देखिए कुछ इस टाइप से, और ये भी हो चुका। अब एक ये जो कनेक्शन यहाँ रह गया है, तो अब इसको करना है। तो इसके अंदर हमें करना है ये कि आपको बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इसके अंदर लगाना है। तो आप ये देख रहे हैं वहाँ से एक बैटरी की वायर आ रही है, मैंने प्लस पॉइंट में लगाई है, वो वायर को इस हॉर्न रिले के अंदर लगाना है। तो इसे एक बार जो मैं खोल लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये मैंने जो बैटरी का प्लस पॉइंट है जो कि रेड वाला पॉइंट है, वहाँ से लेके आया हूँ, और वहाँ पे मैंने एक वायर लगा दी, और ये जो थिम्बल है इस पॉइंट के अंदर लगाना है कुछ इस टाइप से। तो ऑलमोस्ट सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट रह गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या किया है। वहाँ से पहले दो वायर लिए, उस हॉर्न में लगाई है, वहाँ से जो दो वायर आई है वो इस हॉर्न में लगाई है। उसके बाद एक वायर लिया, उसका मैंने थिम्बल यहाँ लगाया, और दूसरा मैंने हॉर्न रिले के अंदर लगाया जो कि इस तरफ ये लगा हुआ है, देखिए
ये वाला, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये बैटरी के जो प्लस पॉइंट है वहाँ से एक वायर को लिया है, वहाँ से एक जो हॉर्न रिले के अंदर लगा दिया है। और अब हमें लास्ट कनेक्शन जो करना है वो अर्थिंग का कनेक्शन है, तो हमें करना है ये कोई भी आप नट वगैरह, ये जैसे देखिए मैंने एक नट पे वहाँ पे वायर लगाया हुआ है, तो ये वाली वायर को हमें इस हॉर्न के अंदर लगाना है कुछ इस टाइप से। ये फ्रेंड्स यहाँ से मैंने अर्थिंग का पॉइंट लिया और इसको यहाँ तक लेके इस हॉर्न के अंदर लगा दिया, तो कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे टेस्ट करते हैं काम करता नहीं करता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल के आइकन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।